जो नया महागठबंधन बना है मात्र 2 महीने के शासन काल में पूरा दलदल बना दिया और दलदल में कमल खिलने का समय है। इस दलदल को कमल के रूप में यहाँ खिलाने का काम करेगी। कार्यकर्ताओं ने ये मुरेठा बांध लिया है, उसी दिन ये खोलेंगे हम जिस दिन नीतीश मुक्त बिहार होगा। नौजवानों को ठगने का काम शिक्षा विभाग ने, तो यहाँ फैक्ट्री लगना शुरू हुआ तब तक ये जंगल राज फिर ले आए। अब इस आतंक से कौन राज, यहाँ कौन बिजनेस करेगा? उनको तो धमकी दे रहा हो। लालू जी ने पहले रानी पैदा किया, तब अब कह रहे हैं कि युवराज को मुख्यमंत्री बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ अयाज और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि चूंकि गोपालगंज में उपचुनाव है, आप यहाँ पहुंचे हुए किस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए, पूरी तरह जो माहौल है, ये जो नया महागठबंधन बना है और जो इन लोगों ने दलदल बना दिया मात्र 2 महीने के शासन काल में पूरा दलदल बना दिया, तो अब दलदल में कमल खिलने का समय आ गया। और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि गोपालगंज की महान जनता यहाँ इस दलदल को कमल के रूप में यहाँ खिलाने का काम करेगी। ये पूरा स्पष्ट दिखता है पूरे गोपालगंज विधानसभा में देखने का। अच्छा, आपने गमछा बांधा है, कोई संकल्प है क्या? ये पूरी तरह है, देखिए हम लोगों ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये गमछा जो हम लोग, एक मजदूरी का प्रतीक होता है मुरेठा, हम लोग मुरेठा बांधकर काम करते हैं। तब हम लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये मुरेठा बांध लिया है और उसी दिन ये खोलेंगे हम जिस दिन नीतीश मुक्त बिहार होगा। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को जिस दिन हटाएंगे उसी दिन इस मुरेठे को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और जिनके साथ गठबंधन किए हैं वो लगभग 15 साल उन्होंने राज किया, तो 32 साल का हम हिसाब मांग रहे हैं। 32 साल में बिहार को कहाँ जाना चाहिए था और कहाँ रह गया। गुजरात की तुलना ये लोग करते हैं, गुजरात में 27 साल पहले भाजपा आई, क्यों नहीं भाजपा आज भी कबड़ पा रही है किसी से? क्योंकि वहाँ काम हो रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाया जा रहा, जो कमजोरी था उसको ताकत बनाया गया, जो समुद्र के इलाके थे उसको ताकत बनाकर वहाँ बिजनेस अब बनाया गया। बिहार में नीतीश कुमार जी को इतने लंबे समय तक, आप देखिए शिक्षा में हमारे कभी हमको नहीं दिया और नौजवानों को ठगने का काम शिक्षा विभाग ने किया। उद्योग हम लोग को मिला तो हम लोगों ने फैक्ट्री लगाना शुरू किया, आदरणीय शाहनवाज जी मंत्री थे तो पूरे देश भर से उद्योगपतियों को बुलाकर इथेनॉल का पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया। जबकि नीतीश कुमार जी स्वयं कहते हैं कि इथेनॉल के लिए हम प्रयास जब 2006-07 में किए तो भारत सरकार ने सम्मति नहीं दिया। कौन सम्मति दिया? आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ फैक्ट्री लगना शुरू हुआ तब तक ये जंगल राज फिर ले आए। अब इस आतंक से कौन राज, यहाँ कौन बिजनेस करेगा? यहाँ हमारे गप्पू जी हैं, MLC हैं, इनको धमकी दे रहा है, इनके वेबसाइट पे लोग धमकी दे रहा है। ये स्पष्ट है ना कि जो आदमी सर विधान परिषद में हो उनको तो धमकी दे रहा हो, तो आम लोगों की क्या स्थिति हो? आज देख लीजिए, बिहार के डीजीपी से सिर्फ धमका कर अपराधी ने एक SP को निलंबन से मुक्त करा दिया, और वो भी दस्तखत किसने किया? नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि होम मिनिस्टर वो हैं। और बिहार के चीफ सेक्रेटरी के अकाउंट से 90,000 रुपया निकल जाते, तो जिस प्रदेश का सुरक्षा DGP और चीफ सेक्रेटरी का नहीं होता हो वहाँ आम जनता का सुरक्षा हो सकता है क्या? लालू प्रसाद जी के राज को सब लोग जानते हैं और गोपालगंज के लोगों ने तो देखा ही। लालू जी भाषण में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने पहले रानी पैदा किया, पहले मैडम को मुख्यमंत्री बनाया, तब अब कह रहे हैं कि युवराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आज युवराज 5 विभाग रखे हुए हैं। पूरे बिहार में डेंगू का कहर चल रहा है, नगर के चुनाव नहीं हो पाए, उसका एक दोषी नीतीश कुमार तो है ही, दूसरा तेजस्वी यादव भी है। नगर विकास मंत्री कौन है? क्योंकि ये आरक्षण नहीं चाहते थे, आरक्षण नहीं लागू हो पाया। ये तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जिन्होंने, जिनके माध्यम से आयोग का गठन हुआ। लेकिन आप देखिए कि लालू प्रसाद जी के परिवार पहले भी 2001 में आरक्षण नहीं दिया,
ना पंचायती राज में। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ तो कोई आरक्षण नहीं। तो आरक्षण विरोधी राष्ट्रीय जनता दल रही है, अब नीतीश कुमार भी उनके प्रभाव में है। अच्छा, तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं गोपालगंज में, क्या प्रभावित कर? देखिए, बिहार की जनता और गोपालगंज की जनता तो उनके नस नस को जानती है। हमने कहा उनके पिताजी को, उनके माताजी को, उनको सबको देख रही है। क्या किया है ये तो बताओ, वैश्य समाज के लिए क्या किया? हमारा राज था, सुशील मोदी जी लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता रहे, और जब 2020 में हमारा चुनाव हुआ तो हम अति पिछड़ा की बेटी को डिप्टी सीएम बनाए और वैश्य समाज से तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो सब अपने लिए किया। कोई डिपार्टमेंट है आप देख लीजिए, राजद के जितने लोग हैं किसी के पास डिपार्टमेंट नहीं, पांच पांच बड़े डिपार्टमेंट इन्हीं के पास, गांव इन्हीं के पास, गांव तक सड़क कैसे जाएगा RWD, शहर में शहरीकरण कैसे होगा, शहर का विकास कैसे होगा। गोपालगंज के लोगों को ये पूछना है कि आपने इस शहर के लिए क्या किया। और परिवारवाद का आरोप लगता है बड़े नेताओं को साइड कर तेजस्वी यादव को लाया गया है। देखिए, तेजस्वी यादव, हमने तो यही कहा ही कि राजा रानी, तब राजा रानी का बेटा राजा बनने की तैयारी कर रहा है, ये तो हमने सीधा आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार गोपालगंज और पूरे बिहार के विकास में सहयोग करते रहा, और ठीक ही हमारे साथियों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार जी को ड्राइविंग सीट पर बैठा के अपने डिक्की में बैठे हुए थे, डिक्की में बैठ कर, क्योंकि आतंक का राज स्थापित नहीं हो इसकी चिंता कर रहे थे। दो तीन घटनाएं भी हो गई हैं हाल में ही, रात में एक गोली चल गया, दो लोग, तीन लोग। स्वाभाविक है, आप देखिए, मैंने तो बिहार प्रदेश की बात की, हम रात 24 घंटे से इस जिले में हैं। जिस तरह शराब माफिया के संलिप्तता में पुलिस वाले की मृत्यु हुई, बंगरा में तीन बच्चे घूम रहे थे उनमें एक बच्चे की हत्या हो गई, पेट में छुरा भोंक दिया, कल संतोष सिंह नाम के एक युवक की यहाँ अपराधियों ने गोली मारा है, जो पेट में गोली लगाया और पैर में गोली लगाया, जो गोरखपुर इलाज के लिए, पटना नहीं ले गया, गोरखपुर ले गया। इसका मतलब गोरखपुर में अच्छी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में यदि गोली इस तरह मारा जाता तो मारने वाला का क्या हश्र होता उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जानते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ थे प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी, उन्होंने क्या कुछ कहा सरकार पर, सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अच्छी व्यवस्था है वहाँ इलाज होती है, यहाँ अगर बिहार में इलाज अच्छी होती तो शायद पटना में ले जाया जाता, उत्तर प्रदेश में नहीं ले जाया जाता। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़, मैं हूँ गोपालगंज से आयाज अहमद।